हाँ जी भाई जी, चिकन मैं कोफ्ते मानी मुक्सली चिकन फ्राई मसाला फ्राई चिकन एरी बीफ नहीं मटन एरी चने अंडे चने चिकन चने चिकन चारी दमदार मसाला धुआंधार अंडा परांठा यार मलाई मार गया। इस फिल्म में आपको स्क्रिप्ट में या पूरी टीम में या कास्ट में कौन सी ऐसी खास बात लगी जिसकी वजह से आपने कहा कि नहीं सलमान शाहिद इस फिल्म में काम करेगा? एक तो ये तरीका है कि आप बताएं आपने आपका स्क्रिप्ट क्या है, हाँ। ताकि उससे मुझे पता लगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं। Exactly. दूसरी चीज है, मैं आपको वैसे जानना चाहूंगा, कई बार दूसरा आदमी जो है उसके काम से आप मुतासिर होते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, तो आप उसको देखे इतनी फरमाइश के बगैर क्या बात है। अच्छे तो भी आदत यही है, है कि ये भी पूरा स्क्रिप्ट अगले को मंगवाता है। हाँ जी, कहता है कि सिर्फ मैं पढ़ना है इस करके वे कि एक सीन मेरा निकलिया कि मैं डायरेक्टर को पूछता है कि मेरा करैक्टर दसो करैक्टर की, वो कहता यार एक रक्षा रोड के उत्ते जा रहे हैं, दरवाजे वे बंद ने, रक्षा जा रहे हैं, फ्रेम चाउट होया फिर इन होया फिर रक्षा जा रहे हैं। चाचा कहता मैं कितने हैं, कहता रक्षा च तू ही बैठा है। चाचे नु डायरेक्टर ने कहा तेरा मेन रोल है। अच्छा, फिल्म शुरू हुई खत्म हो गई। चाचा कहता मैं किथे सा, डायरेक्टर ने कहा जिस कब्र च बैठ के सारे स्यापा कर रहे सन ओदे विच तू ही ते सा। क्या बात है चाचा, और मेनू भी ला गई फिल्म ते। फिर आ निर्मल कहंदी मैं शान नाल हीर बनाणा ही। ओए होए, सारी फिल्म चली जान दी, बस एक सीन आया शान ने आके बुआ खड़काया, फिल्म मुक गई। मैं कह तू किथे से, आ जिथे बुआ खड़काया ना पिछे मैं सा, मैं खोली ही नहीं। असी दोवें की फिल्म देख ले। अच्छा, राई साहब ने आके ना विलन दे दरवाजे तक आ बाहर निकल बेशर्मा, चाचा सैंड में चोट के बाहर निकल गया। तो डोरेमोन ने भी फिल्म देखन गया, मुस्तफा कुरैशी साहब ने किया नवा आया सोनिया, कहंदा नहीं जी मैं कल भी आया सा। मुमना, इस फिल्म में हम आपको किस कैरेक्टर में देख रहे हैं, क्या रिवायती हीरोइन का किरदार निभा रही हैं या कुछ मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैं एक ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ। पुलिस ऑफिसर? हाँ वही लिया तबंग। ऐसा ही है, जब मुझे जब मैंने फिल्म की भूसियां दाना फड़ दे। किस तरह से इतनी खूबसूरत चेहरे पे गुस्सा रोब तब दबाओ, ये कैसे लेकर आई? ऐसा ही है, लेकिन ये वैसी वाली पुलिस नहीं है आजकल, इतना पुलिस तो ऐसी वाली होती है, वैसी वाली कौन सी होती है? और जितना इनोसेंट फेस है ना, गुस्सा भी रचाओ नहीं करता होना, एक गुस्से चांदे उनके अगला करेक्टर कहता ना यार गुस्से च ना मेनू आसान। मतलब सीरियसली मुझे तो लगता है लोग अपने घर में खुद डाका मार के ना पुलिस को फोन करते होंगे, जी मोमने जी चोरी हो गई है। नाले हर चोर के भाई जी ओ पुलिस वाला मेनू मारे बस। ये चोर आप फोन करके कहन अद्धा घंटा हो गया चोरी करके बैठे हैं, सोने हैं किदों आओगे? और कोई छितरा छितरा नाल नहीं मारना सानू, बस इंज मुकियां बट के कुटना है। हाय हाय, आ इनू मुकियां नाल ही कुटना पैंदा क्योंकि छितर ते घरों खा लैंदा ना। छितर खा के आंदा बुड्ढी कोलों ते बाहर दोस्तां नू बड़ा आकड़ के कहंदा है मैं पावे खा के आया अज। लोग मैंने पूछते ने केड़े पावे खाते ने वड्डे के छोटे, मैं कहना नहीं डोमेस्टिक पाए। भाई आप बताइए, आपकी वॉक के ऊपर प्रैक्टिस करवाई कि इस तरह से पुलिस वाली होती है, इस तरह यूनिफॉर्म पहनते हैं, किस तरह से चलना है बोलना है थॉट? बहुत अलग फीलिंग थी जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो मेरे ख्याल में कि वो चीज़ आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी यूनिफॉर्म हो, आर्मी का हो, पुलिस का हो, कोई भी, लेकिन जब आप एक बार यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना, वो भी अपने वतन के लिए, तो मेरे ख्याल में कि कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो यूनिफॉर्म आपको सब कुछ खुद सिखा देता है। आपकी इस फिल्म में आपका कोई डायलॉग तो होगा ऐसा जो किसी ना किसी पुलिस वाले का होता है ना, जैसे दबंग डायलॉग आपका भी होगा? स्ट्रॉन्ग डायलॉग है लेकिन वो पूरा नहीं बता दी, मैं उसका सिर्फ एक लाइन बताती हूँ। अहमद आप जरा करवाएंगे तो हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि आप लोगों ने साथ काम किया, केमिस्ट्री वैसी है। एक्शन। ये लड़कियाँ पुलिस के शोबे में क्या करती? पहलवान साहब, अब ये पहले जैसी पुलिस नहीं रही, यहाँ पर लड़कियाँ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, पढ़ लिख कर भी अपने वतन की हिफाजत कर सकती हैं, और मैं क्या, मुझ जैसी हजारों बेटियाँ इस मुल्क के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। वाह, ये वाह।
खुश आमदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें और हमारे साथ आज ये स्पेशल कास्ट मौजूद है फिल्म दाल चावल की। फर्ज करें कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और मैं एक फिल्म बना रही हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और मैं उस फिल्म की राइटर भी हूँ, या अल्लाह माफ़, उस फिल्म की कैमरामैन भी मैं ही हूँ, इस फिल्म की मैं ते डिजाइनर भी हूँ, ड्रेस डिजाइनर, या अल्लाह तू गफूर रहीम है, मुझे डायरेक्टर कहो यार, इस फिल्म की सेट डिजाइनर भी मैं आप हूँ, देखना मेरी फिल्म सिनेमा में कैसी हिट लगेगी। ताड़ी फिल्म सिनेमे च नहीं लगेगी, क्यों? या कंधे च लगेगी या किसी गड्डी च लगेगी। नहीं भैणा चंगी भली एंकर हुंदी सी, देखदियां देखदियां डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गई, फिल्म च आखिरी सीन कीता मौत दा, हत्थां च दम दे गई। आखिरी बात, इस फिल्म की डांस डायरेक्टर भी मैं हूं। हाय अल्लाह, अल्लाह ना किसी नु ए दिन दिखावे, अभी नहीं बेलना करावांगे फिल्मां ते। भरावा डायरेक्टर बनन तो पहले ना बड़ा रूप चढ़िया है, समझिए कि आप आए हैं नवे नवे लाहौर और मैंने आपको देख लिया, ठीक है, और मैं आपसे रास्ता पूछ रही हूँ। चश्मा ऊपर किया मैंने। हे बॉय, हे पुअर बॉय, आई वांट टू गो टू गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड, कैन यू टेल मी द वे? इस बीमारी दी फक्की नहीं मैं ना लिया है। I'm asking where should I go, which way should I take, right, left, or should I go straight? तू सी नहीं बचना। इस बीमारी ना साढ़े बड़े सारे चले गए। कर रहे हो? मैं तुमसे रास्ता पूछ रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है? जी मैं गांव से आया हूँ, मैं यहाँ पे ना नौकरी चाहता हूँ। गाड़ी चलानी आती है? नहीं जी गाड़ी तो नहीं, खोतरी रेडी में बड़ी चीज चला लेना, टकड़ा टकड़ा बड़ा मजा आता है। रेडी का बंदोबस्त कर, खोती सड़ को है। धो लेते हो गाड़ी? हाँ जी गाड़ी धो लेता हूँ मैं, बिल्कुल। तुम मेरे डंडा ले आते, मैं धोनी ताड़ी गड्डी। झाड़ू पोछा लगा लेते हो? बीबी जी मुझे ये सारा काम नहीं आता, दरअसल मैं शादीशुदा नहीं हूँ ना। नाल ही सजी आते कि शादीशुदा बैठे ने ना, पूछ ले। अच्छा मेरी बात सुनो, जूते तो पकड़ लेते हो ना, ये पकड़ो। तुसी पहले एडे लंबे हो, तुसी खंबे च बजने। मैं क्या ऑडिशन लैन डई है, ये पूरी सीरियल ही बनान डई है। ऑडिशन हो रहा है? हाँ जी। अच्छा मैं समझा कोई घरेलू गल चलती पई। भाई ये मेरी फिल्म में कास्ट हो गया है। यार बच्चे ते रहम करी मेरे मालका, ये मेरी फिल्म का हीरो होगा। ये दी फिल्म अपना सिनेमे च नहीं लगनी, पहन रेडी ते लगनी जे। अल्लाह तेनु डायरेक्टर दी नजरे बात तो बचावे बेट। इस करैक्टर को प्ले करने के लिए मेरे पास पूरी फिल्म में बहुत ज्यादा मार्जिन था। करैक्टर ये है कि एक पढ़ा लिखा लड़का गांव से बिलोंग करता है, उसके वाली साहब नहीं है, अपनी मदर के बड़ा क्लोज है, और उसके ख्वाब और उसके जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत बुलंद हैं। वो चाहता है कि वो एक ऑफिसर बने, और नौकरी की तलाश में वो लाहौर आता है, उसको फिर आकर ये पता चलता है कि दूर के ढोल सुहाने, यहाँ पर नौकरी क्या, यहाँ पर तो सड़क पार करने के लिए भी आपको सिफारिश चाहिए। फिर अपने जो भी उसकी होती है थिंकिंग कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे अच्छी नौकरी ही करनी है, और फिर खालू किस तरह उसको कहते हैं कि आ जा मेरे साथ ठेले पर, और बाकी सारा करैक्टर आपको मजीद फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा आप बताइए, मोमना के हर फिल्म में आजकल होता है कि आइटम सॉन्ग ज़रूरी समझा जाता है, तो आपसे भी कोई डांस करवाया है, कोई रक्स आपने किया है इस फिल्म में? नहीं, क्योंकि फिल्म का हम थोड़ा सा आपको बता चुके हैं कि ये थोड़ा नेशन पर है, कुछ हम लोगों ने अपने मुल्क की चीज़ों को इसमें दिखाया है, तो इसमें आइटम सॉन्ग का कोई काम नहीं था। इस तरह की फिल्म का नाम है ना दाल चावल, आइटम सॉन्ग नहीं होना चाहिए, पेट खराब हो जाएगा। भाई मैं आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री बताने लगी हूँ कि आइटम सॉन्ग इजाद कैसे हुआ था। मोमना आप तो खास तौर पे सुने गौर से, क्या आज से 250 साल पहले, हिस्ट्री बताती है, चाचा ने अपने गांव में अपने चौधरी का गधा चोरी कर लिया था। फिर क्या होना था, चौधरी ने कोई 4-5 मन कोयले जले हुए अपनी हवेली के सहन में बिछाए, बस चाचे ने पहला कदम जो पख दे कोलियां ते रखिया ते चाचे दा डांस निकलना शुरू होया। पहले तो सेक तो ही लगा जे पैर इंज कोलियां ए कोले ने पैर इत्थे पहुंचे आ ते पहला स्टेप आया, उस तो बाद पैर उत्ते आया। जदों भी गरम कोले च ना चाचे दा पैर आंदा सी ते एदा स्टेप ही निकल जांदा सी ते लोकी क्लैप करदे सन के वाह की डांस कर रहे हैं। सारा गाना गुना वेख के चाचे दा घर चले गए, उन्हें कोले तो मुड़ के चाचा 3 साल बारबेक्यू लांदा रहा फिर। अच्छा वैसे चाचा का ये रक्स पूरे गांव ने देखा, मगर फिर भी चाचा ना चौधरी को कोल बुला के बोलता है हुन ये राज हवेली से बाहर नहीं जाना चाहिए।
ਐਟਮ ਸੌਂਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਤਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਐਟਮ ਸੌਂਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸਲ ਖੋਤਾ ਮੰਗਵਾਓ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਐਡਾ ਖੋਚਲ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਤਾ ਵੇਚਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਖੋਤਾ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਾਚਾ ਤੇ ਆਪ 3 ਸਾਲ ਖੋਤਾ